हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस क्रीम की, जो कि है लॉरियल पेरिस वाइट परफेक्ट डे क्रीम, और ये आती है SPF 17 के साथ। जी हाँ, एंड ये कुछ इस तरीके से दिखता है इसका बॉक्स, एंड ये है 50 ग्राम्स का इसका पैकेज। ग्लास की इसकी आउटर बॉटल आती है ये, एंड अंदर से कुछ इस तरीके से होता है। क्वान्टिटी इसमें से मैंने काफ़ी यूज़ कर ली है, तो आपको ज़्यादा नहीं दिखेगी इसके अंदर। एंड अब अगर हम बात करें कि ये क्या क्लेम करती है, तो ये बोलते हैं वाइटनिंग एंड इवन टोन। इवन टोन इज़ फाइन, बट वाइटनिंग सीरियसली, मेलानिन वैनिश करती है ये, और इसके अंदर टॉर्मेलिन है। एंड उसके अलावा, जैसा कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है, मैंने अभी जब मैं अपनी ट्रिप पर गई थी बाली के, तो वहाँ से आने के बाद मुझे बहुत बहुत ज़्यादा टैनिंग हुई थी। शायद से आप कंपेयर भी कर सकते हैं अगर पिछली वीडियोस से देखें, बट उसमें इतनी हाई क्वालिटी नहीं होती है वीडियो, उसमें तो आप इतनी इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, कम से कम 4 शेड्स का डिफरेंस आ गया था, इनफैक्ट ज़्यादा ही शेड्स का डिफरेंस आया था स्किन टोन में। एंड बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स वगैरह टाइप्स भी हो गए थे टैनिंग की वजह से, रैशेस काइंड ऑफ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस क्रीम को ट्राई करके देखा जाए। एक्चुअली ये क्रीम थी तो मेरे पास सेप्टेम्बर से, बट मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा चलो अभी फाइनली ये मौका आ गया है तो ट्राई कर लेते हैं। मैं इसको पिछले इट्स बीन मोर देन 20 डेज और मैं इसको लगा रही हूँ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सोचा शुरू के 1 वीक में लगा कर ट्राई करती हूँ क्या इफ़ेक्ट आता है, क्या होता है। तो इससे कुछ खास इम्पैक्ट पड़ा नहीं, मतलब मुझे दिखा नहीं कुछ भी चेंज। इनफैक्ट लगाने के टाइम पर भी मुझे इसमें स्किन में कुछ ऐसे डिफरेंस नहीं दिखता है, इसको लगाने के जस्ट बाद भी, या फिर उसके बाद, या कभी भी पूरे दिन में कोई ऐसा कुछ इफ़ेक्ट आया नहीं। इससे बेटर मुझे एक सीरम लगा जो कि मैंने यूज़ किया था, एंड वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली उसके बारे में बताऊँगी। वो बहुत अच्छा सीरम है, बट ये क्रीम मेरे अकॉर्डिंग आई डोंट थिंक कि किसी काम की है ज़्यादा, बस ये ऐसे क्लेम करते हैं। बट इट्स अ गुड मॉइस्चराइज़र, अगर आपको सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र की तरह यूज़ करने के लिए, अगर आपको इसे मॉइस्चराइज़र की तरह यूज़ करने के लिए 550 रुपीज़ पे करना है, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ मुझे इसका कुछ खास यूज़ लगा नहीं। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि शायद गार्नियर की जो क्रीम आती है वो ज़्यादा अच्छा काम करती है, शायद, आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो बेटर है, बट ये भी किसी खास काम की है नहीं। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये आपके लिए यूजफुल हो, अगर यूजफुल हो तो सब्सक्राइब करके लाइक प्रेस कर देना। बाय बाय, टेक केयर।